अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं। स्वागत है आपका रिपोर्टेज में। मैं मुजाहिद इस्लाम, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नया प्रोग्राम फेस टू फेस। इस प्रोग्राम में हम आज बात करेंगे CAA और संभावित जो NRC है, NPR है, इनके बारे में बात करेंगे। पिछले 2 महीने से लगातार CAA, NRC और NPR का विरोध हो रहा है। लोग लगभग इनके बारे में ओवरऑल जान चुके हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे CAA, NRC और NPR के जो सोशल जो पहलू है, सोशल इकोनॉमिकल, इन सारे मुद्दे पर हम बात करेंगे। और इस मुद्दे पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अकील अख्तर, जो कि जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और CAA, NRC और NPR को लेकर के एक मजबूती से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है, ये जो पूरा मामला है ये कोर्ट में है और इसको लेकर के अभी तक 141 से भी ज़्यादा याचिका डाली गई है। अगर ये जो पूरा मामला है, अगर कोर्ट अगर इसको एक्सेप्ट कर देती है, इसको अप्रूव कर देती है, तो आगे क्या स्टेप होगा जो प्रोटेस्टर है उनका? देखिए, CAA को लेकर के जो सबसे अहम चीज़ ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो तो सुप्रीम कोर्ट ही जानती है और सुप्रीम कोर्ट के तहत ही होगा। और जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट पे हमने हमेशा से भरोसा किया है और सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का हमने सम्मान किया है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसका हम सम्मान करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट CAA को के फेवर कर देती है, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है CAA के सपोर्ट में फैसला देती है, जो गवर्नमेंट का स्टैंड है उसके फेवर में बात करती है, तो फिर अगला स्टेप क्या होगा? जी जी, तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसका हम सम्मान करेंगे और हर हाल में हम करते रहे हैं और करेंगे, करना भी चाहिए जी। लेकिन लड़ाई जो है, मसला यह है कि ये सिर्फ CAA से नहीं जुड़ा है, हमें ये समझने की ज़रूरत है। CAA के साथ साथ दो अहम चीज़ें और जुड़ी हुई है, वो है NPR और NRC, ठीक है। और जैसा कि NRC का एक्सपेरिमेंट हमारे सामने, असम का एक्सपेरिमेंट हमारे सामने है, 6 साल लगे उस पूरे एक्सपेरिमेंट में और सिर्फ सरकार के जो है पूरे एक्सपेरिमेंट में जो है 1600 करोड़ रुपए खर्च आए, तो ये वो आंकड़े हैं जो सरकारी खजाने से जो खर्च हुआ वो हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू जो आम जनता का जो पैसा खर्च हुआ पूरे 6 साल के में, जो लोगों के साथ एक तरह का हरासमेंट हुआ अपने डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन को लेकर के, अपने कागज़ पत्र को दिखाने से लेकर के, उसके साथ साथ जो है फिर बहुत सारे, मतलब बोलते हैं ना, हमारे यहाँ करप्शन भी एक बहुत बड़ा इशू है, इन सारी चीज़ों के पेश नज़र जो बहुत सारे खराजात आए उस पर कोई सवाल नहीं है, उस पर कोई बात नहीं है, उस पर उसका कोई गिनती हमारे पास नहीं है, उसके कोई सर्वे भी नहीं हमारे पास। लेकिन समझने की ज़रूरत है, CAA पे जब हम बात करते हैं तो NPR और NRC को भी गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, और उसके सोशल इकोनॉमिकल पहलू पर, खासतौर से जब NRC की जो हम बात कर रहे थे आसाम वाले मुद्दे पे, तो वहाँ जो 1600 करोड़ रुपए सरकार का एक स्टेट में खर्च हुआ, अब जब ये NRC पूरे देश भर में लागू होगा, अब तस्वर कीजिए पूरे देश भर में लागू होगा, पूरे देश के 29 स्टेट में जहाँ की तकरीबन 130 करोड़ की आबादी है, सोचिए इस पूरे एक्सपेरिमेंट में कितना खर्च आएगा। और जिस देश में पहले ही से इतना ज़्यादा बेरोज़गारी हो, जिसकी GDP दिन ब दिन गिरती जा रही हो, और युवाएं जो है नौकरियों को लेकर के परेशान हो, हेल्थ सिस्टम बिल्कुल दिन ब दिन जो है ख़त्म होता जा रहा हो, यूनिवर्सिटीज़ की हालत ख़राब हो रही हो, उस देश में इतना पैसा खर्च करना कहीं ना कहीं जो हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको मुकम्मल तौर से जो बर्बाद कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी जो हमारे देश की GDP इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही, मतलब बुरे दौर से गुजर रही है। इस दौर में अगर आप हमको ये बताइए कि जो NRC और जब लाया जाएगा इसमें, तो इसमें कितने खर्च पड़ेंगे और इन पर इकोनॉमिक क्या कंडीशन, मतलब क्या असर पड़ेगा, और जैसे कि एक डिटेंशन कैंप बनाने में कितना खर्च आता? बिल्कुल सही सवाल आपने किया। देखिए, हमारे सामने जो NRC को लेकर के जो भी बातें होती हैं या लोगों के मन में जो भी चिंता है या डर है, उसका सबसे बड़ा कारण आसाम है। यानी आसाम में जो NRC हुआ उसको लेकर के जो लोगों ने देखा, वो अच्छा रिजल्ट नहीं रहा हमारे लिए। अच्छा रिजल्ट इस माने में नहीं रहा कि जिस तरीके से सरकार मुकम्मल तौर से दावा कर रही थी, और उसके बहुत से लोग जो है दावा कर रहे थे, 1 करोड़ लोग, तो 50 लाख, तो कुछ 60 लाख के वहाँ जो है घुसपैठिए हैं। जब फाइनल लिस्ट आई तो वो 19 लाख में सिमट गया, ठीक है। और वो 19 लाख लोगों को भी आप जब देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि उसमें जो बेशतर वो लोग हैं जो हिंदुस्तान के ही हैं, यानी हिंदुस्तान के ही हैं और दूसरे स्टेट के रहने वाले हैं, किसी कारण जो है वहाँ गए कारोबार को लेकर के या नौकरी को लेकर के, रोज़गार के ताल्लुक से वो आसाम गए। अब जाहिर सी बात है कि आदमी एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है, वहाँ रहता है, तो कागज़ पत्र के मामले में कहीं ना कहीं जो है कच्चा काम उसका रहता है।
ये परेशानियाँ पैदा हुई, जिसके कारण जो है ज़्यादातर जो हमारे जो अपने देश के ही लोग थे वो NRC लिस्ट से बाहर हो गए, सबसे बड़ी परेशानी आई। लेकिन अब जो सबसे अहम मुद्दा जो आपने सवाल किया कि इसका जो एक्सपेंडिचर है, जो इस पर अखराजात आएंगे, अब सिर्फ आसाम को अगर देख लीजिए, आसाम में अब तक जैसे बहुत सारी रिपोर्टें खबरें आ रही हैं कि 6 जो है डिटेंशन सेंटर बन रहा है। जैसे एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था उसमें ये पता चला ग्वालपोखर के इलाके में जो डिटेंशन कैंप जो बन रहा है, एक डिटेंशन कैंप पर 45 करोड़ रुपये खर्च आ रहा है सरकार का, ठीक है, और उस डिटेंशन कैंप में तकरीबन जो 3,000 लोगों की कैपेसिटी होगी रहने की। तो आप इस पर ज़रा गौर कीजिए कि हम 45 करोड़ रुपए जो एक डिटेंशन सेंटर पे खर्च करेंगे और उसमें 3,000 लोगों को रखेंगे, तो सोचिए कि 19 लाख लोग हैं, 19 लाख लोगों के लिए हमें कितने डिटेंशन सेंटर बनाने पड़ेंगे, नंबर एक। नंबर दो, फिर उस डिटेंशन सेंटर में जो हमारे जो अखराजात होंगे वो कितने 100 करोड़ में जाएगा, कितने 100 करोड़ में जाएगा, और नतीजा है जो इतने करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी हमें क्या हासिल होगा। भाई हम जब कोई पैसा खर्च करते हैं कहीं पर भी करोड़ों रुपए लगाते हैं तो एक ना एक जो है हमारा क्या है इकोनॉमी का जो है एक सिंपल सी बात होती है, प्रॉफिट और इनकम दो चीज़ों पे जो है गौर की जाती है। हम यहाँ करोड़ों रुपए खर्च करेंगे उससे हमें प्रॉफिट क्या होगा जी। अब डिटेंशन कैंप में भी जिन लोगों को रखेंगे उन्हें हम खुद ही खिलाएंगे, उनके इलाज दवा दारू सारा कुछ जो है सरकार के इस पे आएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है सरकार के खजाने पर यानी देश की जो आर्थिक सूरत हाल है, इकोनॉमिकल कंडीशन है, उसको ख़राब करेगी और इसके नतीजे में जो है देश में महंगाई बेरोजगारी और तेज़ी से बढ़ेगी। तो ये सबसे गंभीर चीज़ है और इस पर विचार करने की और सरकार को जो है सोचने की ज़रूरत है। जैसे कि इससे पहले जब आधार कार्ड लाया गया था उसमें बहुत सारा खर्चा हुआ था लोग, और इस बार जब मैं अपने गांव गया हुआ था तो वहां पे भी लोग जब से NRC और CA इस तरह के जो बिल CA जब से आया है जब संभावित NRC की बात की जा रही है तब से लोग जो बर्थ सर्टिफिकेट है उनको बनाने के लिए लोग परेशान हैं, उन पे भी बहुत सारे खर्च हो रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और लोग अपने काम काज को छोड़ करके लोग जा रहे हैं मतलब बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में, इसका क्या सब इसके बारे में आप बताते हैं। देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही है और अभी जो है मैं 15-20 दिन पहले की बात बताऊँ, मैं बिहार में था, बिहार के अररिया ज़िला में, मैं अररिया ज़िला से ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ की बात मैं बताऊँ कि अररिया में जो है अभी जो लोगों के अंदर जो एक तरह की एनजाइटी है जो NRC को लेकर के NPR को लेकर के जो लोगों के अंदर घबराहट है परेशानी है उसको लेकर के जो इस वक्त हर कोई जो है अपने कागज़ पत्र को ठीक कराने में लगा हुआ है, ठीक है, और हर कोई चाह रहा है कि उसका कम से कम बर्थ सर्टिफिकेट बना ले। जब मैंने पता किया कि बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में कितना खर्च आ रहा है तो कुछ लोगों ने बताया कि बर्थ सर्टिफिकेट बनाने वाले जो हैं वो कहीं पर 1,000 रुपये मांग रहे हैं, कहीं पर 2,000, कहीं कहीं पर जो 5,000-5,000 रुपये ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम बर्थ सर्टिफिकेट बना देंगे। सवाल ये नहीं कि बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में जो 1,000 रुपये खर्च आ रहा है या 2,000 रुपये खर्च आ रहा है, सवाल ये है कि 1,000-2,000 रुपये जो है कौन लोग खर्च कर रहे हैं। नंबर एक वो लोग हैं जो मजदूर हैं, किसान हैं, वो लोग खर्च कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि ये सिर्फ 1,000 रुपये खर्च करके बर्थ सर्टिफिकेट नहीं हासिल कर लेंगे, इस 1,000 रुपये के साथ साथ जो उन्हें कितने 100 और कितने 1,000 रुपये और बर्बाद करने पड़ते हैं। कारण ये होता है कि जो लोग दिल्ली में कमाता है, पंजाब में जा करके काम करता है, वो घर पे आ करके बैठ जाएगा कागज़ पत्र ठीक कराने के चक्कर में। वो सोचिए एक कागज़ को ठीक कराने में मतलब 1 से 2 महीना लगता है, उस 2 महीने में उसकी जो है घर की क्या हालत होगी, उसका रोज़गार और कमाई का क्या हालत होगा। तो एक पहलू ये है। दूसरी चीज़ ये है कि इसके नतीजे में जो है करप्शन बहुत तेज़ी से बढ़ गया है और अब जानते हैं कि करप्शन जो है हमारे लिए हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है और आज भी ये मुद्दा है। तो इन सारी चीज़ों पर जो है गौर करने की और समझने की ज़रूरत है कि NRC को सिर्फ इस नुक्ते नज़र से नहीं देखना चाहिए कि NRC जो है जिससे देश में हम घुसपैठियों की पहचान कर लेंगे और जो बाहर में सताए हुए लोग हैं उनको रख लेंगे, बल्कि आप ये देखिए कि इस NRC और NPR की वजह से लोगों में कितने ज़्यादा परेशानी पैदा हो रही है, लोगों की सूरत हाल कितनी बिगड़ रही है। आज ही आप हाल फिलहाल अभी रिपोर्टें आप पढ़े होंगे तो आए दिन जो है बैंकों के साथ मसले खड़े हो रहे हैं, और आज ही जो सुप्रीम कोर्ट का देख रहा था एक रिपोर्ट पढ़ा जस्टिस अरुण मिश्रा जी के ताल्लुक से बातें थी कि आप उन्होंने कहा जब वो टेलीकॉम कंपनियों के बारे में जो भुगतान करने के ताल्लुक से था, यहाँ तक उनको कह देना पड़ा कि जो उन्होंने नोटिफिकेशन वहाँ सुप्रीम कोर्ट से जारी किया गया था, जो आदेश दिया गया था, उस आदेश का कोई भी उसका पालन नहीं किया जा रहा है। मजबूरन जो है अरुण मिश्रा जी ने आज एक लाइन कह दिया कि हम क्या सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दें। ये सारी चीज़ों को जो है सोचने की और गंभीरता से लेने की ज़रूरत है कि आखिर इस तरह की सूरत हाल देश में पैदा क्यों हो रही है, ये अहम चीज़ है। और एक सवाल मेरा ये है कि इससे किस तबके को इससे असर पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग ये भी कह रही है हिंदू मुसलमान का मसला है, फिर हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ के मसला है।
देखिए ये तो सरकार द्वारा और कहीं ना कहीं मैं इसका जिम्मेदार जो भारतीय जनता पार्टी को समझता हूँ कि वो जो है इन तमाम मुद्दे को जो है सामाजिक और माशी सतह पर यानी इकोनॉमिकल और सोशल सतह पर देखने के बजाय जो है इसको जो है कम्युनल बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं अपने हिंदू भाइयों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको जिस तरीके से गुमराह करने की सरकार कोशिश कर रही है, आप बराए मेहरबानी इस चीज़ को गंभीरता से लीजिए और सोचिए कि आखिर देश में जब करोड़ों रुपए, हज़ारों करोड़ रुपए डिटेंशन कैंप पे खर्च किए जाएंगे और लोग जो है सालों साल जो अपने डॉक्यूमेंट में महीनों बर्बाद कर देंगे, तो सोचिए कि देश की क्या हालत होगी। जब देश की इकोनॉमी बर्बाद होगी तो जाहिर सी बात है कि उसका असर जो है आप पर भी पड़ेगा, आपके घर में भी उसका असर पड़ेगा, आपके रोज़गार पर भी पड़ेगा। और जाहिर सी बात है कि जिस देश में जब महंगाई तेज़ होगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी, उसकी आर्थिक सूरत हाल बिगड़ेगी, तो जान लीजिए कि लोग कि फिर जो है इलाके में, समाज में जो है कहीं ना कहीं जो क्राइम फिर बढ़ जाएगा। आमतौर पे ये चीज़ देखा गया है, सर्वे भी बताता है कि ज़्यादातर जो क्राइम का जो रेशियो होता है, जो क्राइम पाया जाता है, वो किन इलाकों में पाया जाता है? बुनियादी तौर पर उन इलाकों में जो स्लम एरिया हैं, जहाँ पर गरीब लोग होते हैं, उन इलाकों में ज़्यादातर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि गरीबी जो है आमतौर पर क्राइम को जन्म देती है। जब लोगों के पास काम नहीं होगा, लोगों के पास रोज़गार नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो लोग जो है बुराई की तरफ जाएंगे, और बुराई जो है हमेशा जो है किसी के फेवर में नहीं होता, चाहे वो चोरी हो, डकैती हो या किसी किस्म की भी कोई चीज़ें हो, वो कभी किसी के फेवर में नहीं होता। तो एक अच्छे समाज के लिए बेहद ज़रूरी है कि देश के इकोनॉमिक जो सूरत हाल है, माशी कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन है, उसको बेहतर से बेहतर बनाया जाए। और इस तरह के जो है स्टूपिड एक्सपेरिमेंट जो आसाम में ही देखने को मिला, इस तरह के एक्सपेरिमेंट से जो है फिलहाल तो देश हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जो है मुझे नहीं लगता कि ये एक्सपेरिमेंट जो है हिंदुस्तान के फेवर में रहेगा। ये हिंदुस्तान के लिए कहीं ना कहीं हम भारतीयों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। जैसे आपने अभी इकोनॉमिकल कंडीशन पर अभी आपने बात की थी, बहुत अच्छी बात की, और इसमें आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लगातार हेल्थ सेक्टर हो गया, फिर एजुकेशन सेक्टर हो गया, इसको लेकर लगातार से सवाल है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी फी हाई को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इन सब के बजाय सरकार डिटेंशन कैंप में खर्च कर, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए ये बहुत गंभीर सवाल है, और पिछले एक लंबे समय से जो है भारत में ख़ास तौर से जो है एजुकेशन बजट को लेकर के और एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को लेकर के जो है काफ़ी सवालात उठते रहे हैं जी। और ऐसे में जो है सरकार डिटेंशन कैंप बना रही है, तो अपने आप में जो है यह अजीब व गरीब बात दिखती है कि जाहिर से बात है कि जिस देश में जो है आम लोगों के लिए, देश के आम नागरिकों को एक बेसिक सहूलत जो हेल्थ और अच्छी सेहत और अच्छी तालीम के लिए सहूलत मिलनी चाहिए और उसके लिए अच्छी यूनिवर्सिटीज़ खोलनी चाहिए, तो यहाँ पर सरकार डिटेंशन सेंटर खोल रही है, तो ये बहुत अजीब व गरीब चीज़ हमें दिखती है। तो लेकिन मैं इसके तहत आपने एजुकेशन की बात की, मैं इस ज़िम्न में जो है मुझे एक रिपोर्ट कुछ समय पहले की है, तकरीबन दो साल पहले की है, जो एक चीज़ देखने को मिली थी जब पटना यूनिवर्सिटी में जो है उसके 100 साल प्रोग्राम हो रहे थे, उस दौरान जो है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो एक बात कही थी कि पूरे भारत की जो है मतलब कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो दुनिया के टॉप 100 या 200 यूनिवर्सिटीज़ में उसका नाम आता हो, और इसको लेकर के जो है वो कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके लिए एक स्पेशल बजट की बात उन्होंने की थी। लेकिन मैं इस मामले में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जो इस बात कह रहे थे, उनको ज़रा सा इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि आप दुनिया की टॉप 100 या 200 यूनिवर्सिटीज़ में हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज़ को शामिल करना चाहते हैं, थोड़ा आप इस बात पर भी गौर कीजिए कि दुनिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो किस तरह से चल रही है, उसके क्या बजट हैं, और वो कितना खर्च करते हैं अपने एक सेंटर पर, अपने एक इंस्टीट्यूट पर। आपको अगर मैं बताऊँ, कुछ दिन पहले की बात है, जैसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ है, नामी गामी यूनिवर्सिटी है काफ़ी, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का जो बजट है तकरीबन 39,000 करोड़ के आसपास है, लमसम में है, और यहाँ पूरे एजुकेशन सेक्टर में 99,000 पूरे एजुकेशन सेक्टर में। अब हायर एजुकेशन में चले जाएंगे तो वो 30-35,000 करोड़ से ज़्यादा है ही नहीं, तो ये बात ज़रा सा सोचने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान की ही एक यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसकी तकरीबन जो है स्टूडेंट कैपेसिटी जो है 1.5 लाख के आसपास है, उसका जो बजट था वो तकरीबन जो है 985-84 करोड़ के आसपास है, यानी 1,000 करोड़ भी नहीं है। अब सोचिए हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिसकी जहाँ सबसे ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं, उसका बजट जो है 1,000 करोड़ भी नहीं है, और पूरे हायर एजुकेशन का बजट जो है तकरीबन जो 33-34 हज़ार करोड़ के आसपास है, और बाहर की जो विदेश की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं
उनमें सिर्फ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो है तकरीबन 39,000 करोड़ जो है एक यूनिवर्सिटी का बजट है। तो आप किस तरीके से आप चाहते हैं कि आप उस यूनिवर्सिटी के मुकाबले में अपनी यूनिवर्सिटीज़ को खड़ा कर सकते हैं? आपको अगर उस लेवल की यूनिवर्सिटी बनानी है तो आपको उतना ही ज़्यादा खर्च भी करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ जो है आपको ये चीज़ गंभीरता से लेनी चाहिए। मैं सरकार से कहता हूँ, सरकार को इन चीज़ों पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है कि आखिर दिन ब दिन जो है हमारा एजुकेशन जो सिस्टम है वो बेहतर होने के बजाय और ख़राब क्यों होता जा रहा है? आए दिन क्यों स्टूडेंट सड़कों पर हैं, या टीचरों का सैलरी का मसला है, या फिर जो है उसके अलावा और भी कई मसाइल हैं जो बेसिकली जो है एजुकेशन के बजट से और उसके इकनॉमी से, भारत की इकनॉमी से जुड़ती है। तो हमें ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है, ये बहुत अहम चीज़ है। जैसे कि आपने अभी एजुकेशन सेक्टर की बात करें, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का आपने मिसाल दिया, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये भी जो एजुकेशन सेक्टर कहने का गंभीर ये बात है, और ये इन सब मुद्दों पे बात नहीं करके सरकार डिटेंशन कैंप पे बात करे, डिटेंशन कैंप पे प्रैक्टिस कर रही है, कहीं ना कहीं ये हमारे मुल्क के लिए थोड़ा गंभीर विषय नहीं है? आपको क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए मैं तो शुरू से कह रहा था और ये बात मुसलसल कहते हुए आ रहा हूँ, और हम लड़ाई भी इसी बात की लड़ रहे हैं। हम जो जगह जगह जा कर के CA NRC NPR पे बात कर रहे हैं, हम तो ये बात कहते हुए आए ना कि देखिए CA जो है सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, या NRC NPR जो मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, चूँकि सबसे बड़ी चीज़ जो इससे जुड़ी हुई वो देश की इकनॉमी और इसका जो सोशल स्टेटस और कंडीशन जुड़ा हुआ है। कि जब देश में हज़ारों करोड़ रुपए सरकार डिटेंशन कैंप में खर्च करेगी, करोड़ों रुपए जो है सरकार क्या बोलते हैं डिटेंशन सेंटर के बनाने में जब सरकार खर्च करेगी, और उसके साथ साथ जो है उस डिटेंशन सेंटर से कोई हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा सिवाय इसके कि हम डिटेंशन कैंप बनाएंगे, फिर लोगों को वहाँ रखेंगे, वहाँ भी हम खुद ही खिलाएंगे, यानी हमारा ही पैसा वहाँ खर्च होगा। तब जाहिर सी बात है कि जिस देश में हेल्थ की सूरत हाल इतनी बुरी हो, एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल दिन ब दिन गिरता जा रहा हो, यूनिवर्सिटीज़ नहीं खुलने चाहिए, तो वहाँ पर जो है अभी जैसे हालिया दिनों की बात है कि बिहार में ही तकरीबन 15 ऐसे कॉलेजेस थे जहाँ पर बीएड की पढ़ाई होती थी, उसको जो है वहाँ बंद कर दिया गया, और इशू क्या बनाया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के वजह से उसको बंद कर दिया गया। तो ये सरकार को यही हम कहते हैं ना कि ये आप कर क्या रहे हैं, आप एक तरफ देश में डिटेंशन सेंटर पे करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो एजुकेशन या इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, तालीमी इदारे जो चल रहे हैं, वहाँ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है तो आप उसको बेहतर कीजिए ना, बजाय इसके कि आप उसका ये इशू बना करके इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है तो आप कोर्स को ही बंद कर दीजिए। भाई इतने बड़े देश में और 100 यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत है और शहरों की ज़रूरत है। आप देखे होंगे, मैं अपने बचपन की अगर बात करूँ तो एक ज़माने में जब शहरों में जाता था उस ज़माने की भीड़ और आज के भीड़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क लगता है। आप दिल्ली को चले जाइए, दिन ब दिन जो है वहाँ आबादी बढ़ती जा रही, गाड़ियाँ बढ़ रही, उसका कारण क्या है? देश में शहर की कमी है, यहाँ नए शहर पैदा करने की ज़रूरत है, ताकि जो अब लोग जो देहात से शहर की तरफ भाग रहे हैं, तो जाहिर सी बात जब शहर कम रहेगा तो एक ही शहर में लोग घुसेंगे, तो शहर बनाने की ज़रूरत है। देश में जो है ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल खोलने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा तालीमी इदारे खोलने की ज़रूरत है। और डिटेंशन सेंटर की जहाँ तक बात है, भाई हमारा तो शुरू से कहना रहा है कि आप देश में जो बाहर से लोग इल्लीगल घुस चुके हैं उनकी पहचान की जाए, लेकिन उसकी पहचान का ये मतलब नहीं होना चाहिए कि उसके पहचान के नतीजे में आप देश के पूरे खजाने को खाली कर दें, देश के जो इकोनॉमिकल और सोशल जो स्टेटस आप उसको बिल्कुल बर्बाद कर दें। अब जाहिर सी बात है कि हज़ारों करोड़ रुपये आप सिर्फ डिटेंशन कैंप में खर्च करेंगे, तो दूसरी तरफ जो आप स्कूल जो चल रहे थे या जो कॉलेज चल रहे थे उसको बंद करेंगे, तो इससे क्या किसका फ़ायदा पहुँचा रहे हैं आप? कहीं ना कहीं एक बिल्कुल जो है मतलब जाहिलाना जिसको कह सकते हैं कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे जो है देश को कभी फ़ायदा नहीं हो सकता, सिवाय इसके कि हमारे देश को आप बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। और मैं हमेशा से बात कहते आ रहा हूँ कि सरकार जो है ये लोगों को गुमराह कर रही है, और मैं अपने देश के तमाम नागरिकों से, खासकर हिंदू भाइयों से ये बात कहना चाहता हूँ कि आपको जो झांसे में डाला जा रहा है, हिंदू मुस्लिम की जो गोली आपको खिलाई जा रही है, जो आपको हिंदू मुस्लिम का जो टॉनिक दिया जा रहा है, बराए मेहरबानी आप इसके चक्कर में ना पड़ें। हो सकता है कि वक्ती तौर पर आपको ये बहुत मज़ा आ रहा होगा कि मुसलमानों को मार देंगे, मेरा ही कहना है कि देश में सिर्फ 14% मुस्लिम आबादी है, सिर्फ 14% मुस्लिम आबादी है। आप सोच लीजिए कि मेरा ये मैं मिसाल देना चाहता हूँ कि कहीं पर कोई गांव मान लीजिए, कोई ऐसा गांव है जहां पर बहुत बड़ी आबादी है, उसमें हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं,
तो मुसलमानों की आबादी पूरे देश में 14% है, ठीक है। और उस इलाके में आप तसव्वुर कीजिए कि वहाँ पे मुसलमान जो है 100 में से जो है 20 घर मुसलमानों का है, बाकी 80 घर गैर मुस्लिम का है, यानी हिंदू भाइयों का है। तो अगर वहाँ पे कोई हादसा होता है, कोई जलजला होता है, तो ज्यादा नुकसान किसका होगा? जिनके पास ज्यादा मेजोरिटी, जिनकी मेजोरिटी है, जिनकी अक्सरियत, उनका नुकसान होगा ना। समझने की चीज़ है, देश में 86% जो है नॉन मुस्लिम है। अगर देश की इकोनॉमी खराब होगी, देश में बेरोजगारी बढ़ेगी, तो ज्यादा बेरोजगार कौन होगा? भाई 100 में से 14 ही मुसलमान होगा ना, लेकिन 86% तो हमारे नॉन मुस्लिम भाई बेरोजगार होंगे। इसका एग्जांपल आप असम में भी देख सकते हैं। असम में आप देख सकते हैं, असम में जो है 3.9 करोड़ की आबादी है पूरे, और देखिए अब वहाँ पर जब एनआरसी लिस्ट फाइनल हुआ तो 19 लाख में से ज्यादा आबादी किसकी है। तो ये चीज समझने की जरूरत है। आप एनआरसी को मुसलमानों का मुद्दा या और किसी का मुद्दा जो और भी कुछ लोग ये भी समझ रहे हैं कि जो एनआरसी है, एनआरसी में जो लोग छटेंगे तो सीए से बाहर आ जाएंगे जो नॉन मुस्लिम है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा ही कहना कि सीए से मैं मानता हूँ कि सीए के जरिए जो है जो नॉन मुस्लिम भाई हैं वो दोबारा से उनको नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन आप उसके दूसरे पहलू को देखिए ना। आपको नागरिकता तो मिल जाएगी, लेकिन क्या आपके लिए दिक्कत की बात नहीं है कि आपको अपने ही देश में अपनी नागरिकता साबित करनी पड़े? नंबर एक। नंबर दो, आपको अपनी नागरिकता साबित करना ये खिलौना बोलते हैं ना, बच्चों का खेल नहीं है कि आप जो है एक दिन में आप कह दीजिएगा कि हम 2014 से पहले, भाई आपको पहले ये भी साबित करना पड़ेगा कि आप 2014 से पहले जो है अगर हिंदुस्तान में आए हैं तो आप कहीं ना कहीं इन तीन देशों में से कहीं एक के रहने वाले हैं, आपको ये साबित करना पड़ेगा। और जब आप उस देश में कभी गए नहीं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आप गए नहीं, तो आप कैसे साबित कीजिएगा? और तीसरी बात कि आपके साथ जो है सिर्फ यही नहीं होगा, आप नागरिकता साबित कर भी दीजिएगा, सॉरी अगर आप नागरिकता साबित नहीं कर पाएँ, आपको सीए के द्वारा आपको नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन आपके साथ जो है आपको रिजर्वेशन मिल रहा है, आप अगर सरकारी नौकरी में हैं या आपकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी आपकी छीन ली जाएगी, और इससे जो है आपका कभी फ़ायदा नहीं होगा, इससे जो है सिर्फ और सिर्फ जो है आपका नुकसान होगा। तो ये चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। ये लड़ाई जो है ना मुसलमानों की लड़ाई है और ये ना लड़ाई जो है हिंदुओं की लड़ाई है। दरअसल जो है ये लड़ाई देश की जो हालत है इस वक्त, हमारे देश में जो पिछले 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज़्यादा जो है हमारे यहाँ हेल्थ सिस्टम जो इस वक्त बिगड़ रहा है, एजुकेशन सिस्टम बिगड़ रहा है, दिन ब दिन जो है आए दिन कोई ना कोई हादसा परेशानी हमारे साथ पेश आती जा रही है, इन चीज़ों पर नज़र रखने की ज़रूरत है। तो और सरकार जो है इन तमाम मुद्दों को छोड़ करके जो है डिटेंशन सेंटर हिंदू मुस्लिम में पड़ी है। तो मैं तो यही कहूँगा, मैं मेहरबानी करके अगर आप भारत से प्यार करते हैं, अपने देश से प्यार करते हैं, मुसलमानों से भले ही आप नफ़रत करते हैं, आप नफ़रत कीजिए, लेकिन आप हिंदुस्तान के अगर हक में अगर आप सोचते हैं तो आप बराए मेहरबानी जो है कम से कम इन बातों पर ज़रूर गौर कीजिए कि अगर एनआरसी जैसा एक्सपेरिमेंट देश में होता है तो देश की इकोनॉमी की क्या हालत होगी। देश में जब डिटेंशन सेंटर बनेंगे, स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं बनेंगे, तो इससे किसको फ़ायदा होगा? आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आपका सिर्फ नुकसान होने वाला। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अकील भाई हमारे इस प्रोग्राम आने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में अकील अख्तर, आप देख रहे थे रिपोर्टर्स में मुजाहिदुल इस्लाम, कैमरे के पीछे है नदीम खान। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं।